आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिलासपुर ब्रांच के निवेशकों का एक प्रतिनिधि मंडल हिमाचल प्रदेश वेलफेयर बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य दिनेश कुमार की अगुवाई में उपायुक्त बिलासपुर से मिला तथा उनके कार्यालय के माध्यम से केंद्रीय कोऑपरेटर एवं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में मांग की गई कि हिमाचल में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तकरीबन 20 ब्रांचें काम कर रही थी तथा जिला बिलासपुर की ब्रांच में करीब 10,000 लोगों का करोड़ों रुपए का निवेश एडवाइजरों के माध्यम से करवा रखा था, जो कि पूरे भारत में संस्था की 809 ब्रांचें चल रही थी। संस्था में लगभग 21 लाख निवेशक एवं 4 लाख एडवाइजर के साथ 5,000 कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे थे। वो करोड़ों घर इस महामारी कोरोना नामक महामारी के लगने से बहुत परेशान है। संस्था दिसंबर 2018 तक सुचारू रूप से कार्य कर रही थी। पिछले 20 वर्षों से ऐसा कभी नहीं हुआ कि संस्था द्वारा पूर्ण अवधि दावों का भुगतान समय पर न किया गया हो। संस्था में लिखित डेटर हटाकर प्रशासक या नवीन बोर्ड की नियुक्ति कर निवेशकों का भुगतान करवाने की गुहार लगाई। सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवाइजर व कर्मचारियों ने संस्था को पूर्ण रूप से चालू कर निवेशकों की राशि का जल्द से जल्द भुगतान करवाने की गुहार लगाई। संस्था में अधिकतम गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों की राशि का निवेश है। वो इसमें सभी बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं। वो इसमें बहुत से लोगों के निवेश की राशि का भुगतान न होने के कारण अपना जीवन काल समाप्त करने का प्रयास भी कर चुके हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने जीवन काल की बची जमा पूंजी का पैसा इसी संस्था में लगा दिया था, जिससे उन्हें प्रति महीना पेंशन भी मिलती थी। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवाइजर व कर्मचारियों ने संस्था पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त कर संस्था को पूर्व की भांति सेवा और संचालन की अनुमति प्रदान करने की भी मांग रखी। हमारा यही कहना है, हमने पहले भी एक ज्ञापन द्वारा प्रधानमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारी आदर्श सोसाइटी बड़े अच्छे तरीके से चल रही थी और इसका जो एकदम से पैसा इसका बाउंड कर लिया गया है। हम ये चाहते हैं जिसने गलत किया है उसके साथ गलत होना चाहिए, लेकिन आदर्श सोसाइटी को रेगुलेट किया जाए। हमारा करोड़ों रुपए का 25 करोड़ का मेरे यहाँ का बिलासपुर का जो पैसा फंसा हुआ है और ऐसा ही हिमाचल प्रदेश का कई जगह का पैसा जो है इस सोसाइटी में फंसा हुआ है। इसमें कोई हेराफेरी नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जानबूझ कर इसमें लिक्विडेटर बिठाला गया है। हम चाहते हैं इसको जांच के नाम पर बिठाला हुआ है, हम चाहते हैं इसको हटाकर प्रशासक नियुक्त किया जाए या सरकार अपने अंडर ले और लोगों का पैसा वापस करे, यही हमारी मांग है। आज हम इस ज्ञापन के माध्यम से फिर से प्रधानमंत्री महोदय को और अनुराग ठाकुर जी को एक ज्ञापन प्रेषित करने डीसी साहब के माध्यम से जा रहे हैं।